सो गाइस, सबसे पहले आप लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी देखो गाइस, आप लोग देख सकते हो 152,000 फॉलोअर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं इंस्टाग्राम पर। और अगर आप मेरे अकाउंट की रीच जानना चाहोगे तो 22 मिलियन की रीच है मेरे अकाउंट की। और अभी मैं आपको व्यूज़ दिखा देता हूँ कि कितने व्यूज़ मेरी रील्स पर आते हैं। गाइस आप देख सकते हो, स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो मिलियंस पे व्यूज़ जाते हैं मेरी रील्स पर, लाखों में हज़ारों में व्यूज़ जाते हैं। अगर आपकी रील्स पर सिर्फ 15-20 व्यूज़ आते हैं तो इसका मतलब ये आप ये तीन गलतियाँ करते हो। और अगर आप ये तीन गलतियाँ करते हो तो इंस्टाग्राम क्या करता है, आपकी आईडी को जो है वो फ्रीज़ कर देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वो तीन गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है अगर आप ये करते हो। और काफी सारे लोग करते हैं, उनको पता ही नहीं कि भाई इससे दिक्कत क्या आती है। इससे मैं बताता हूं उससे गलतियों से दिक्कत क्या आती है। इससे क्या होता है, आपकी जो आईडी है वो इंस्टाग्राम फ्रीज कर देता है, फिर आपके व्यूज ही नहीं आते, फिर आप लोग इधर उधर दौड़ते फिरते हो भाई कि व्यूज कैसे बढ़ाए, व्यूज कैसे बढ़ाए। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक प्रॉपर देखना, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आपको इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करनी है और ये तीन गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर आप ये तीन गलतियां नहीं करते हो तो तुरंत ही आपकी आईडी इंस्टाग्राम जो है वो अनफ्रीज कर देगा। और चौथे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा, अगर ये तीनों स्टेप करने के बाद भी अगर आपकी आईडी जो है वो फ्रीज ही रहती है, अनफ्रीज नहीं होती, तो चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम को एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन में क्या लिखना है वो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो वीडियो को करते स्टार्ट, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइज सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं लोग कि भाई अपनी वीडियोस को खुद ही वॉच करने लग जाते हैं। जैसे अभी मैंने रील्स बनाई और अभी खुद ही वॉच करने लग जाऊं उसे, तो भाई खुद ही व्यूज़ दे रहा हूं मैं तो उसे, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम समझ जाता है कि यार ये बंदा फेक है, भाई खुद ही देखता रहता है अपनी वीडियोस को, हो सकता है इनने गैंग बना रखी हो और वो भी इसी वीडियोस को देखते रहते हो, वॉच करते रहते हो। तो भाई इससे मतलब गलत एक्टिविटी फैलती है, गलत नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव हो जाता है आपका जो अकाउंट है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जब भी आप अपने इंस्टाग्राम पर रील्स या फिर वीडियोस पोस्ट करो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भाई खुद वॉच नहीं करना उसे। अगर आप ये गलती नहीं करते हो तो कुछ टाइम बाद आपकी आईडी जो है वो अनफ्रीज हो जाएगी। सेकंड मिस्टेक की बात करता हूं मैं, ये भी काफी सारे लोग करते हैं, अनकंसिस्टेंसी। वो लोग अनकंसिस्टेंसी दिखाते हैं, एक भी दिन अपनी रील्स को वो अपलोड नहीं करते, या फिर रील्स अपलोड भी करते हैं तो भाई आज अपलोड करी फिर एक हफ्ते तक के लिए भूल गए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको इंस्टाग्राम पे सही से मतलब ग्रो करना है, अगर आप दिलचस्पी रखते हो सोशल मीडिया में आगे बढ़ने की दिलचस्पी है आपके अंदर, तो आपको क्या करना है कि कंसिस्टेंसी बना करके रखनी है। अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। आपको पर डे दो रील्स तो पोस्ट करनी ही करनी है, एक सुबह एक शाम, सुबह 7 बजे और शाम को 8 बजे आपको ये करते रहना है। एक महीने तक अगर आप ये कंसिस्टेंसी बना करके रखते हो तो आपकी रील्स को वायरल होने से कोई नहीं रुकता, आपकी जो आईडी वो इंस्टाग्राम जो है वो खुद अनफ्रीज कर देगा, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और अगर आप रील्स अपलोड नहीं कर सकते, एक रील्स दो रील्स आप अपलोड नहीं कर सकते पर डे, तो आप सिर्फ एक रील्स अपलोड करो, वो भी शाम के टाइम 8 बजे, पर कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी, मेरा कहने का ये मतलब है। अब बात करते हैं तीसरी गलती की जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो है कि फेक व्यूज फेक लाइक्स और फेक फॉलोवर्स खरीद लेते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट ऐसी है जहाँ से लोग खरीद लेते हैं फेक व्यूज़ फेक लाइक फेक फॉलोवर्स। भाई तुम्हें वो सिर्फ चंद दिनों की खुशी दे सकते हैं। मान लो आपने 10,000 फॉलोवर्स कहीं से खरीद लिए, ठीक है, तो वो 10,000 फॉलोवर्स आपके 9,000 फॉलोवर हो जाएंगे, पर 11,000 फॉलोवर नहीं होंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम आपके जो है वो आईडी को स्टक कर देता है, फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आपकी आईडी जो है वो ग्रो हो ही नहीं पाती और वो अकाउंट आपके लिए बिल्कुल बेकार हो जाता है। मतलब आप सिर्फ चमका सकते हो उससे कि भाई देखो मेरे फॉलोवर्स इतने फॉलोवर्स है, असली बात यह है कि वो जितने भी फॉलोवर्स है वो सारे आपके खोखले हैं। तो बात आपको यह ध्यान रखनी है कि फेक व्यूज फेक लाइक्स फेक फॉलोवर्स आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदने। अगर आप ईमानदारी से इंस्टाग्राम पे आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, वो है मेहनत। आपको मेहनत पे विश्वास करना पड़ेगा और खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हो। अगर ये सब करने के बाद भी अगर आप ये तीनों गलतियां नहीं करते हो, उसके बाद भी जो है आपकी आईडी पर व्यूज़ नहीं आते, फॉलोवर्स नहीं बढ़ते और इंस्टाग्राम आपकी जो है आईडी को फ्रीज ही रखता है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम को एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम को ये एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो कुछ टाइम बाद खुद इंस्टाग्राम उस आईडी को जो है वो फ्रीज से अनफ्रीज कर देगा। तो आपको कौन सी एप्लीकेशन लिखनी है ये बताने के लिए हमें चलना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलो मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इंस्टाग्राम पर क्लिक करोगे, अब आपको क्या करना है, साइड में अपनी प्रोफाइल दिख रही होगी, वहां पे आपको क्लिक करना है। साइड में प्रोफाइल पे क्लिक करते ही 3 लाइन आपको ऊपर दिख रही होगी, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करते ही अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे नीचे आना है। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा हेल्प का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। हेल्प पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, तो इस पर आपको क्लिक करना है। रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक करने के बाद गो बैक एंड शेक फोन पे क्लिक करना है और अपने फ़ोन को थोड़ा शेक करना है। फ़ोन को शेक करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आपके सामने निकल के आ जाएगा। अब आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। अब आपको डोंट इंक्लूड एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी अटैचमेंट है उसको डिलीट करके
अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक अपनी एंगेजमेंट का जो आपके मतलब जिस वीडियो पर आपके व्यूज़ कम है उसका आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक लगा देना है। अब आपको ये एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर देनी है। देख सकते हो आई एम ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम, आई हैव नॉट वॉलेटेड एनी पॉलिसीज और गाइडलाइंस ऑफ इंस्टाग्राम, प्लीज़ अनफ्रीज माई इंस्टाग्राम आई डी क्विकली। बस ये आपको कर देना है। उसके बाद आप सेंड पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे जो आपकी आईडी है वो अनफ्रीज कर देंगे कुछ टाइम बाद इंस्टाग्राम वाले। बस यहाँ से आपका काम पूरा हो चुका। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।